The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों हमने अभी कुछ दिनों पहले हर्निया के बारे में डिस्कस किया, हर्निया के बारे में सब समझाया आपको और आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हर्निया, हायाटल हर्निया, हायाटस हर्निया के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोज भी बनाते हैं और सारे के सारे टॉपिक्स वेरीफाइड ऑथेंटिक होते हैं, यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से लिए जाते हैं और ये भी वीडियो वैसे ही है, आप इस टॉपिक पर भरोसा, जानकारी पर भरोसा कर सकते हैं। So, हर्निया क्या है आपको पता है, नहीं पता तो आप जाके हर्निया का वीडियो देखिए। अब बात कर रहे हैं हायाटस हर्निया के बारे में। हायाटस हर्निया, हायाटस क्या है, हायाटस यानी ओपनिंग, ओपनिंग यहां बात हो रही है आपके स्टमक और ईसोफेगस फूड पाइप की बीच में एक चीज है जिसको कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम आपके ऊपर आपके लंग्स, आपके थोरैक्स को आपके पेट, आपके एब्डोमेन कैविटी से अलग करता है डायफ्राम। डायफ्राम में ओपनिंग होती है, तीन ओपनिंग होती है, एक से आपका फूड पाइप जाती है, एक से आपका खून लेके नीचे जाने वाली आपकी आयोटा जाता है, खून लेके ऊपर जाने वाले आईवीसी जाती है। तीन ओपनिंग में एक ओपनिंग आपकी फूड पाइप की है, वो फूड पाइप की ओपनिंग, फूड पाइप की डायफ्राम के नीचे से स्टमक शुरू होता है। तो कई बार क्या हो जाता है कि ये स्टमक हो सकता है थोड़ा सा डायफ्राम के ओपनिंग के ऊपर आ जाए, आधा ऊपर का हिस्सा, इस केस में वो डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाता है और इस बेसिकली इसे हायाटल हर्निया कहते हैं, राइट। सो इसका बेसिक कारण एज सच तो नहीं पता होता लोगों को, लेकिन ये होता क्या है कि आपके वहाँ के टिश्यूज़ जो हैं, वहाँ के जो आपके कनेक्शंस हैं वो लूज़ हो गए, इसलिए वो ऊपर आ रहा है। सो क्यों होगा, वहाँ का जो कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ के टिश्यू सपोर्टिंग टिश्यूज़ में वीकनेस होगी क्यों? नंबर वन रीज़न वीकनेस का है ओबेसिटी, मोटापा। जैसे जैसे मोटे होते जाते हैं पेट भी बड़ा होता है, वहाँ के अंदरूनी चीज़ें स्ट्रेच होती है, डायफ्राम स्ट्रेच होता है, तो वहाँ का वो चीज़ें वीक हो सकती है, नंबर वन रीज़न। नंबर दो रीज़न है स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू लेते हैं उनमें इतने केमिकल्स हैं जो आपकी खून की नसें हार्ड करती हैं, तो खून की नसें कम जाती है, वहाँ पे न्यूट्रिशन कम पहुँचेगा, वीकनेस हो सकती है और जो फाइबर्स हैं वो भी रिजिड हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्ट्रेचिबिलिटी कम हो जाती है, तो खिंच खिंच के वो टूट फट सकते हैं, तो इसलिए वीकनेस हो सकती है। यही चीज़ उम्र के साथ होती है, उम्र के साथ एजिंग हो सकती है, इसीलिए स्मोकिंग करते हैं तो यू एज फास्टर, आप जल्दी बूढ़े होते हैं, इसलिए बूढ़े दिखते हो आप, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया। उसके अलावा यह बात याद रखिए, यह बीमारी हायाटल हर्निया बहुत ही कॉमन, अति कॉमन है, बहुत लोगों को हो रही है आजकल और पता उनको चलता है एंडोस्कोपी के बाद ही, लेकिन हायाटल हर्निया बहुत कॉमन है और ज्यादातर ये आपके ओल्ड एज में या 40, 45, 50 की उम्र के आसपास के बाद पता चलती है। और होता क्या है, बचपन से भी हो सकती है, छोटे बच्चों को, चिल्ड्रंस को, इन्फेंट्स को भी हो सकती है, लेकिन उनको होती है तो ये कंजेनाइटल होती है, यानी बचपन से ही, पैदाइशी ही उनका थोड़ा सा ये ऊपर होता है स्टमक डायफ्राम के, दैट उसको कंजेनाइटल हायाटल हर्निया कहते हैं। होगा क्या है, जब ये ऊपर होगा तो बहुत चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि इसमें एसिड भी ऊपर फूड पाइप में आ जाए, ऊपर घुस जाए, चांसेस ज़्यादा होंगे, अनिवार्य नहीं होगा, चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको रिफ्लक्स हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स, बैक फ्लो, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो जाए। ऐसा होगा तो क्या सिम्टम होंगे, आपको हार्ट बर्न होगा, जलन होगी, छाती में दर्द हो सकता है और निगलने में मुश्किल हो सकती है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और बहुत रेयरली, अगर आपको ये सब रिफ्लक्स नहीं है तो फिर ये सिम्टम नहीं होंगे, फिर आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपको हायाटस हर्निया है जब तक आपको रिफ्लक्स नहीं हो रहा। रिफ्लक्स या तो एसिड का हो सकता है, गैस का हो सकता है, जैसे आपको बर्फ आता है, आपको डकार आती है, और रिफ्लक्स हो सकता है बाइल का, इसलिए बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो ऐसा कई लोगों में नॉर्मली भी हो जाता है, इसलिए बहुत कॉमन है। टेस्ट कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं इसको, नंबर वन टेस्ट इसका है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी यानी फूड पाइप में आपका एक छोटी सी पाइप डालते हैं, दूरबीन, जिससे हमको दिख जाता है अंदर का क्या सिस्टम है, तो अंदर एंडोस्कोपी इसोफेजियो गैस्ट्रोड्यूटेनोस्कोपी से पता चल जाता है हायाटस हर्निया है या नहीं। और दूसरा एक टेस्ट होता है बेरियम, बेरियम स्वालो एक्सरे, उसमें बेरियम स्वालो यानी उसको आपको खिलाया जाता है बेरियम, जो कि रेडियो ओपेक होता है, तो जब हम एक्सरे लेते हैं तो फूड पाइप से लेकर स्टमक तक ऊपर ऊपर का सब हिस्सा एक्सरे में दिख जाता है, तो हमको उसमें आइडिया आ जाता है कि भाई इसमें है कि नहीं। क्लिनिकली क्या कर सकते हैं, है तो आपका इलाज क्या होगा,
नंबर वन चीज आपको समझनी है, इलाज में उद्देश्य क्या है। आपका इलाज का उद्देश्य होता है कि आपकी दिक्कत जो है उसमें आराम आ जाए, कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना हो। तो कॉम्प्लिकेशन और दिक्कत, दिक्कत तो हम बता चुके सिम्टम्स, दिक्कत में आराम कैसे आएगी, नंबर वन दवाइयों से। दवाई कौन सी, आपके स्टमक का एसिड कम रखने, एसिड कम होगा तो ही ऊपर कम आएगा, तो एसिड कम रखने की दवाइयाँ दे जाती हैं, नीचे खून खाना जल्दी चले जाए वो दवाइयाँ, पेंटोप्राजोल, डोमपेरिडोम, ऐसी कुछ दवाइयाँ आपको दी जाती है, बहुत सारे पीपीआईज होते हैं दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। नंबर वन, एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एक साथ खाएंगे तो स्टमक ज़्यादा भरेगा तो ऊपर आएगा, इसलिए स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट खानी बहुत ज़रूरी है। खाना खा के तुरंत लेटना भी नहीं है, तुरंत आगे की तरफ झुकना भी नहीं है। जैसे ही खाना खा के आप लेटेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, वहाँ से खाना ऊपर आना ज़्यादा आसान है, वर्टिकल है, ग्रेविटी के अगेंस्ट खाना पुश करना थोड़ा मुश्किल है, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो खाना खाने के एक घंटे के बाद, एक घंटे के बीच में लेटना वेटना नहीं है, या ऐसे भी नहीं लेटना भी नहीं, राइट। तीसरी चीज़ ऑब्वियसली, वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करिए, नहीं तो वो बढ़ता रहेगा, दिक्कतें उसकी लूज़ होती रहेगी और ये बढ़ता जाएगा। स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़िए, वरना मैं बता चुका हूँ क्या होगा। स्मोकिंग पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, वेट लॉस पे कई वीडियोस हैं, देख सकते हैं। और सोते समय आप अपने हेड एंड को, सर वाले हेड को थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, कितना 5-6 इंच तक ऊपर ले लीजिए, यानी 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर ले लो, उससे भी वो एंगल ऐसा एलिवेट हो जाता है तो रिफ्लक्स कम हो जाता है। और अगर मान लीजिए आपके इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस से या दवाइयों से भी आपके सिम्टम्स मैनेज नहीं हो रहे, फिर भी आपको हो रहा है जीआरडी, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो ही फिर आप सर्जिकल ऑप्शन पे जाइए। सर्जरी से इसको अंदर से रिपेयर किया जा सकता है, आपके हायाटस हर्निया को वापस स्टमक को नीचे डायफ्राम में नीचे पुश करके उसे छोटा कर देते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो नहीं आता। सो ये चीज़ सर्जिकल रिपेयर से पॉसिबल है। लेकिन याद रखिए, ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से ट्रीटमेंट यानी आराम आ जाता है, मगर यू नीड टू नो द कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। कॉम्प्लिकेशन यानी अगर आ लीजिए कि आप नहीं इलाज करवाते, नहीं ध्यान रखते, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, बार 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 एसिड या खाना या गैस या चीज़ें ऊपर आएंगी, तो वो चीज़ें ऊपर आती हैं तो कई बार मान लीजिए आप बातें करते करते खाना खाते हैं तो फूड पाइप में खाना जाता है ना, खूब 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 खांसी आ जाती है, वैसे ही एसिड ऊपर आता है तो कई बार ये एसिड ऊपर आके फूड पाइप में जा सकता है, खासकर अगर आप उसी समय बातें कर रहे हैं तो। तो वो हुआ तो इसको एस्पिरेशन कहते हैं, दैट इज़ वो इन्फेक्शन भी फैला सकता है आपके फेफड़ों में, छाती में, ये एक रिस्क है, होगा ऐसा जरूरी नहीं, रेयरली होता है लेकिन हो सकता है। दूसरा, क्योंकि वहाँ पर एसिड बार बार ऊपर आए, जलेगा, बर्न होगा, तो वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल स्लो ब्लीडिंग, आपको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, ज़्यादातर बड़े बड़े लार्ज हर्निया हो तो अंदर, और अगर हर्निया ज़्यादा बड़ा है और डायफ्राम की ओपनिंग छोटी है वहाँ पर, तो फिर उसको स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है, स्ट्रैंगुलेटेड इनग्वाइनल आपका ये वाला हर्निया, तो उससे क्या होता है, अंदर फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, बेहद पेन, आराम ही नहीं होता फिर उस केस में, ठीक है। सो ये हुई बात। तो अगर आपको हर्निया है किसी भी प्रकार का या गैस्ट्रोइसोफेगियल रिस्क लगता है, दिक्कत लगती है, तो आप जाके गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं इस चीज़ के लिए। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स मैनेज करो, ओबेसिटी कम करो, स्मोकिंग बंद करो, बाकी सारी जो बातें बताई खाने के पहले खाने के बाद वाली, उन सब चीज़ों पर ध्यान दो, दवाइयाँ लो, खुश रहो, और ये वीडियो शेयर करो। प्रिवेंशन के लिए ये वीडियो शेयर करना, लोगों को जानकारी बांटना बहुत ज़रूरी, अति आवश्यक है सही जानकारी के लिए। और हर्निया वाला वीडियो भी देखो, हर्निया वाले वीडियो से आपको हर्निया के बारे में समझेगा, इससे हायाटस हर्निया के बारे में, और भी किसी हर्निया के बारे में जानना चाहते हैं हमें ज़रूर लिखें, हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। और बाकी देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन, आई एम डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।